पटना में आज से साइबर अपराध के प्रति रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए ऑपरेशन साई अवेक शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत रेल जिला पटना के सभी रेल स्टेशनों पर पोस्टर, पैम्पलेट, उद्घोषणा यंत्र और रेलवे स्टेशन पर लगे टीवी स्क्रीन के माध्यम से सभी रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए सभी रेल थाना अध्यक्ष, पीपी अध्यक्ष, अपर निरीक्षण केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया गया है। मोस्ट कॉमन 7 प्रकार के साइबर अपराधों के प्रति रेल यात्रियों को प्रथम चरण में जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह एक साइबर अपराध को थीम साइबर क्राइम के रूप में फोकस किया जाएगा और रेल यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना रेल SP अमृतेंदु सिंह ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज से रेल जिला पटना में साइबर अपराध के प्रति रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए एक ऑपरेशन साई अवेक शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत रेल जिला पटना के सभी रेलवे स्टेशनों पर जितने भी ट्रेन आते हैं, जो पैसेंजर हैं, उसमें सभी माध्यमों से पोस्टर, पाम्पलेट, उद्घोषणा यंत्र, रेलवे स्टेशन पर लगे टीवी स्क्रीन आदि सभी के माध्यम से रेल यात्रियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अन्य ऑनलाइन वेबसाइट सभी में किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक या किसी भी तरह का जानकारी साझा नहीं करने से संबंधित और किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचने से संबंधित शुरू किया गया है जागरूक करने के लिए, और उसमें सभी को निर्देश दिए गए हैं। और इसमें मुख्य रूप से 5 जो सबसे कॉमन साइबर अपराध हैं उस पर बल दिया गया है। जैसे कि जो चार्जिंग करते हैं रेल यात्री स्टेशन पे, तो वो जो चार्जिंग करते हैं, जूस जैकिंग करते हैं, तो उसमें उनका डाटा मोबाइल का ट्रांसफ़र जो होता है स्टिल चोरी कर जाता है, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा कि उनके ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जो पॉकेट में रखते हैं, तो RFID टेक्निक का उपयोग करते हुए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, जिसमें कि आपके मनी बैग में ही आपका ATM कार्ड रहेगा और सामने कुछ दूरी से वो उस टेक्निक के द्वारा आपके उसका क्लोनिंग कर लेंगे और आपके खाते से कॉल आता है, तो आप फ्रंट कैमरा को पर उंगली रख के या उसको ब्लॉक करके ही वीडियो कॉल ये तो उठाए नहीं अनजान, नहीं तो सेक्सटॉर्शन का शिकायत काफ़ी मिल रहा है, जिसमें कि इनके फोटो को लेकर और उसको गलत तरीका से अश्लील वीडियो या उस यूज़ करके उनसे कर सकते हैं। और उसके अलावा एनी डेस्क टीम व्यूअर, जिससे कि आपको फ़ोन आता है कि आप ये ऐप को इंस्टॉल करें, और वो आप इंस्टॉल जैसे ही करते हैं वैसे ही तुरंत आपका जो है हैक हो जाता है मोबाइल और आपका पैसा चला जाता है। इसके अलावा आप जब भी यात्रा करते हैं तो आपके बगल में बैठे से यात्री, उनके साथ कोई भी तरह का आप साझा न करें, उस मोबाइल के पिन को आप देखें, यदि आप खोलते भी है मोबाइल तो ऐप में जो ऐप है उसमें ऐप में किसी भी कोई भी चीज़ को यस बटन ना दबाएं। अगर आपको पैसा का ट्रांजैक्शन करना है तो पासवर्ड सेव बटन ना दबाएं और उसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सारा अपील है रेल यात्रियों से। इसके अलावा हम लोग ने पर सप्ताह ऑपरेशन साई अवेक के तहत हर सप्ताह रेल पुलिस पटना द्वारा सोशल साइट पर एक साइबर अपराध पर फोकस किया जाएगा, रेल यात्रियों को जागरूक किया जाएगा और विभिन्न माध्यमों से पाम्पलेट्स और जो भी पोस्टर, इसके माध्यम से जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और ये लगातार चलाया जाएगा।